आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पीड़ित परिवारों के घर जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका दुख दर्द जानेंगे। लोकसभा स्पीकर का विज्ञान नगर इलाके में छत्रपुरा और उद्योग नगर स्थित प्रेम नगर जाने का भी कार्यक्रम तय है। वहीं आज एम्स की टीम भी जेके लोन अस्पताल का दौरा करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर चार स्टेट और छह विशेषज्ञ डॉक्टरों का दल अस्पताल का दौरा करेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर के शर्मा, एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर ओपी थाकन, नोडल ऑफिसर डॉक्टर गुणमाला जैन एम्स की टीम के साथ जेके लोन का निरीक्षण करेंगे। वहीं कोटा के जेके लोन अस्पताल में शुक्रवार को भी और दो बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। जेके लोन अस्पताल में 34 दिनों में बच्चों की मौत का आंकड़ा 106 तक जा पहुंचा है। चलिए सीधे रुख करते हैं सहयोगी मुकेश सोनी का, जो ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, आज जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण करेंगे ओम बिरला, इसी के साथ एम्स से भी एक खास टीम पहुंच रही है जो जेके लोन का निरीक्षण करेगी, लेकिन आखिर क्या वजह है कि मौत का जो आंकड़ा है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है? बीते कल भी दो बच्चों की जान चली गई है। मुकेश, बिल्कुल जासमीन, देखिए 34 दिन में 106 बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर आज एम्स की टीम जेके लोन अस्पताल का दौरा करेगी। इस टीम में चार स्टेट के अधिकारी होंगे और छह जो है केंद्र के अधिकारी होंगे। ये जो टीम है अस्पताल का दौरा करेगी, यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेगी, यहाँ पे स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं हैं, उपकरण है, उसके बारे में पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को भेजेगी और केंद्र उस रिपोर्ट के आधार पर और स्टेट जो है उसके आधार पर ही जो है मेडिकल कॉलेज को बजट आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज कोटा में है, वो पीड़ित परिवारों के घर घर जाएंगे, उनसे बात मुलाकात करेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके शोक संतप्त परिवारों को जो है उनके दुख की घड़ी में उनका साथ देंगे। तो आज कुल मिला के कह सकते हैं कि दो बड़ी जो कार्यक्रम है आज कोटा में है, एक एम्स की टीम आएगी जेके लोन अस्पताल में, वो सर्किट हाउस में रुकी है, उनका 9 बजे का जो कार्यक्रम है कि वो जेके लोन अस्पताल में जाकर वो निरीक्षण का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल मुकेश, सबसे अहम ये देखना होगा कि जब एम्स की टीम जेके लोन अस्पताल पहुंचेगी तो वहां पर जो दावा जेके लोन अस्पताल का प्रशासन कुछ समय पहले तक कर रहा था कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्थाएं वहां पर नहीं है, उसके बाद क्या कुछ सामने आता है ये देखना काफी अहम होगा। मुकेश, इसके अलावा ओम बिरला जो पीड़ित परिवारों से आज मुलाकात करेंगे, वहां पर जाके उन्हें संबल देंगे, उन्हें ढांढस बधाएंगे, कितने बजे ये कार्यक्रम है जब वो ओम बिरला पहुंचेंगे पीड़ित परिवारों से मिलने और उनके साथ कोई और भी वहां पर स्थानीय प्रतिनिधि जो है मौजूद रह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए लोकसभा स्पीकर आज सवेरे ही तड़के ही जो है कोटा पहुंचे हैं और सवेरे 9 बजे का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। अनंतपुरा इलाके में उनको जाना है, विज्ञान नगर इलाके में उनको जाना है, प्रेम नगर इलाके में उनको जाना है, जहां जो पीड़ित परिवार है उनके बीच वो जाएंगे और पीड़ित परिवारों को जो शोक संतप्त परिवार है उनको वो ढांढस बनाएंगे। यहाँ जो बात कही जा रही है कि ओम बिरला के साथ कौन कौन अधिकारी रह सकते हैं, तो ओम बिरला के साथ जो स्थानीय जो अधिकारी हैं संभवतः वो भी साथ में हो सकते हैं। जी बिल्कुल मुकेश, इसके अलावा अगर जेके लोन अस्पताल की हम बात करें तो जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, बीते कल हमने देखा कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी खुद पहुंचे, निरीक्षण उन्होंने किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की और आज एम्स की टीम भी मौके पर पहुंचेगी, निरीक्षण करेगी जो शिशु वार्ड है वहां पर, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है 34 दिनों में 106 बच्चों की मौत वहां पर हो गई है और अभी भी शिशुओं की मौत रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो क्या ये माना जाए कि जेके लोन अस्पताल का जो प्रशासन है अभी भी गंभीर नहीं है या जो ठोस कदम उठाने चाहिए उसमें लेट लतीफी हो रही है, क्योंकि सरकार भी अपना काम कर रही है, इसके अलावा जिस तरह से निरीक्षण वहां पर होने चाहिए वो भी हो रहे हैं, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो थमने का नाम मुकेश नहीं ले रहा है, तो क्या हम अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए 34 दिनों में 106 बच्चों की मौत के बाद जो है अस्पताल प्रशासन पे सवाल उठाना बिल्कुल जायज है, क्योंकि अस्पताल की व्यवस्थाएं माकूल नहीं है। जो निरीक्षण करने जितनी भी टीमें आई है, चाहे वो जनप्रतिनिधियों का डेलीगेशन हो, चाहे जो सरकारी अधिकारी स्तर के जो है जो टीम है, उन्होंने जाँच में ये पाया है कि अस्पताल में उचित व्यवस्था नहीं है इलाज की, जैसे कई उपकरण खराब पड़े हैं, वार्डों में जो है बद इंतजाम ही है, तो कह सकते हैं कि जिस
तरीके से अस्पताल प्रशासन ने है समय रहते इन पे ध्यान नहीं दिया है। एचओडी इसमें सबसे प्रमुख जो जिम्मेदारी है वो पीडियाट्री विभाग के एचओडी की है। उनकी जो टीम है वो प्रतिदिन अस्पताल का दौरा करती है, यूनिट उनकी जो वहाँ संचालित होती है उसका दौरा करती है, वहाँ उनको समय पे सूचना देनी चाहिए थी, संबंधित अधिकारी को सूचना देनी चाहिए थी, जिला प्रशासन को सूचना देनी चाहिए थी, ताकि वो समय पे उन कमियों को दूर किया जा सके। लेकिन वो कमियां दूर नहीं हो सकी, हालात इस तरीके के हो गए कि सर्दी से बच्चों की मौत होने लग गई। हालांकि जांच कमेटी ने ये नहीं माना है कि सर्दी से बच्चों की मौत हुई है। कमेटी का यह मानना है कि जो जितने भी बच्चे की मौत हुई है वो जो दूसरे अस्पतालों से रेफर होकर आए थे उनकी हालात गंभीर थी, उनको इलाज दिया गया लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। तो कमेटी का अपना तर्क अलग हो सकता है, लेकिन जो सामने जो चीजें आ रही है कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही। बिल्कुल मुकेश, सबके अपने अपने तर्क हैं, सब अपने अपने तर्क के आधार पर बयान दे रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी इस पर जारी है, लेकिन बच्चों की मौत हुई है और ये बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी चूक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुकेश, आप लगातार प्लीज हमारे साथ बने रहिए आगे।